हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए मिड ब्रेन पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोगेटा, ऑप्शन बी फोर ब्रेन सेरिबेलम एंड पोन्स, ऑप्शन सी थैलेमस हाइपोथैलेमस एंड कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, एंड इन ऑप्शन डी एमिगडेला हिपोकैम्पस एंड कॉर्पस कैलोसम। सो फर्स्टली सी अबाउट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्रेन स्टेम। तो देखो, ब्रेन स्टेम जो है दैट इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ब्रेन स्टेम जो होता है ये ह्यूमन ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है, पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो ये ह्यूमन ब्रेन के कौन से पार्ट से मिलकर बनता है, तो हम देखते हैं ह्यूमन ब्रेन बेसिकली डिवाइडेड इंटू द थ्री पार्ट। ठीक है, इसमें आता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अगर हम बात करें ह्यूमन ब्रेन की, तो ह्यूमन ब्रेन का ये जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन पोर्शन, ठीक है, और पोन्स रीजन और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों रीजन मिलके, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों रीजन मिलके फॉर्म करते हैं ब्रेन स्टेम को। ठीक है, सेरेबेलम जो है दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, बट ये ब्रेन स्टेम बनाने में रोल प्ले नहीं कर रहा। ब्रेन स्टेम जो बनता है वो मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला ऑब्लोगेटा से बनता है। नाउ सी द ऑप्शन, मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला ऑब्लोगेटा विच इज गिवन इन ऑप्शन ए, तो यही करेक्ट हो गया। ये फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन इज नॉट प्लेइंग इन द रोल टू फॉर्म द ब्रेन स्टेम, तो ये इनकरेक्ट आ गया। थैलेमस हाइपोथैलेमस एंड कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, तो देखो थैलेमस और हाइपोथैलेमस दीज आर द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, एमिगडेला हिपोकैम्पस और कॉर्पस कैलोसम, तो देखो ये जो फोर ब्रेन होता है, इस फोर ब्रेन की टू हेमिस्फियर्स है और ये टू हेमिस्फियर जिससे कनेक्ट रहते हैं उसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, इस कनेक्शन को कहते हैं। ठीक है, एमिगडेला हिपोकैम्पस ये जो सेंटर्स है विच इज लोकेटेड इन द फोर ब्रेन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ओनली ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।